अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल कशफ हेल्थ एंड ब्यूटी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ एक क्रीम जो है वो शेयर कर रही हूँ। मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी कि इस क्रीम पर जो है वो वीडियो डिटेल से बना दें, तो आज मैं जो है आप लोगों के साथ जो है वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो आप लोगों ने वीडियो डिटेल से देखनी है। इस क्रीम का फुल रिव्यू जो मैं दूंगी, इसके प्राइस के बारे में बात करेंगे, इसके साइड इफ़ेक्ट इफ़ेक्ट्स के बारे में डिटेल से बताऊंगी। जब भी कोई अपनी स्किन पर प्रोडक्ट यूज़ किया करें तो पहले उसके बारे में डिटेल जान लिया करें, क्योंकि जब आप फेस पर अप्लाई कर रहे होते हैं तो इसके में किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ मत किया करें, ठीक है। तो आज जो है हम ये वाली क्रीम जो है झलक ब्यूटी क्रीम का रिव्यू जो है आप लोगों के साथ करेंगे, तो वीडियो को डिटेल से और बगैर स्किप किए देखा करें, ठीक है। तो चलिए जनाब स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मेरी उन लोगों से गुजारिश है जो मेरे चैनल पर न्यू हैं, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चले जनाब जो है अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास मौजूद है झलक ब्यूटी क्रीम, जो कि आपको किसी भी कॉस्मेटिक शॉप से इजीली जो है वो मिल जाएगी, ठीक है। किसी भी सिटी से, किसी भी कॉस्मेटिक शॉप से इजीली ये मिल जाती है। तो अगर कोई परचेज़ करना चाहता है तो इजीली इसको परचेज़ कर सकता है, ठीक है। ये है ब्यूटी के लिए ऐसे, यानी कि ये कलर को फेयर करने के लिए जो है क्रीम बनाई गई। इसके ऊपर भी मेंशन किया गया है कि हुस्न में निखार हमेशा बरकरार रहे, जरासीम से पाक है और जो छाइयाँ झुरियाँ हल्के और दाग धब्बों, कील महासे के दाग धब्बे जो होते हैं उसको ख़त्म करती है, रंग गोरा करती है और चेहरे को तरोताज़ा बनाने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त ये है क्रीम है, ठीक है। मैंने इसको यूज़ करवाया तो मुझे इसका इफ़ेक्ट जो है वो तकरीबन नॉर्मल क्रीमों की तरह ही मिला है, कोई इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं था। लेकिन यह है कि ये आपकी स्किन को नीट कर देती है। कोई भी क्रीम जो है प्रॉपर यूज़ करना स्टार्ट कर दें, अगर आपकी स्किन पर कोई किसी भी किस्म का नुकसान नहीं हो रहा तो वो जो है आपकी स्किन को जो है नीट करना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। तो इसका भी यही काम हुआ कि इसने कोई नुकसान नहीं दिया, लेकिन यह है कि इससे आपकी स्किन जो है वो नीट होना स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। तो आप लोगों ने अगर परचेज़ करना चाहते हैं तो ये स्किन को नीट करती है, स्किन के लिए अच्छी है, आप लोग जाकर परचेज़ कर सकते हैं। इसके ऊपर सारी डिटेल जो है इसकी मेंशन की गई है। इसको ओपन करके मैं दिखाती हूँ। ये अंदर से देखने में कुछ इसकी पैकेजिंग इस तरह की है, ये इसका ऊपर मेंशन किया गया, ठीक है। ये देखें, मैंने इसको हाफ यूज़ करवाया है, उसके बाद आपको जो है इसका रिव्यू जो है दे रही हूँ। ये क्रीम जो है वो इसका टेक्सचर जो है वो मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। ये थोड़ी थोड़ी ड्राई है, इतनी ज़्यादा ये है लिक्विड नहीं है। ये आपकी स्किन पर जो है, यानी कि इसके लगाने के बाद आपको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग वगैरह नहीं होती। इसको आपने ऐसे लगा कर छोड़ देना है, इसकी एक लेयर लगानी होती है, इसको स्किन के अंदर एब्जॉर्ब नहीं करना होता, ठीक है। उसके बाद आपने ओवरनाइट इसको छोड़ देना है और किसी अच्छे फेस वॉश के साथ फेस को वॉश कर लीजिएगा। अच्छा रिजल्ट देगी इंशाल्लाह आपकी स्किन के ऊपर। अगर किसी को सूट नहीं कर रही होती तो उसको मज़ीद कंटिन्यू मत किया करें, उसको छोड़ दिया करें, ठीक है। उसके बाद इसके प्राइस जो है इसके ऊपर मेंशन किए गए हैं, 300 इसके प्राइस हैं। बाकी पता नहीं होता कि किस सिटी में कहाँ मेरी वीडियो कब देखी जा रही होती है, प्राइस जो है वो अप डाउन होते रहते हैं। इसीलिए जो आज की प्राइस है वो इसके 300 है, मुझे ये 300 में मिली है, आप लोग खुद देख सकते हैं। और ओरिजिनल की पहचान ये होती है कि इसकी जो है ऊपर पैकेजिंग जो है वो थोड़ी सी उभरी सी फील होगी आपको, ठीक है। तो ये वाली जो है क्रीम जो है ये आपको किसी भी शॉप से इजीली मिल जाएगी। अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं तो ज़रूर परचेज़ करके ट्राई कर लीजिएगा, क्योंकि 300 की क्रीम है तो इसमें कोई भी आपको वो नहीं है कि अगर सूट ना भी की तो आपको इतने ज़्यादा आपकी मनी वेस्ट नहीं होगी। कोई भी अगर ज़्यादा बड़े बड़े फार्मूले जो हैं वो अफोर्ड नहीं कर पाता तो आप ये लेकर ट्राई कर सकते हैं। अगर इसके रिज़ल्ट को बढ़ाना चाहते हैं तो इसके अंदर एक सीरम, गोल्डन पर्ल का एक सीरम जो है वो ऐड करके इसको मिक्सअप करें और फेस पे अप्लाई कर लें, उससे भी आपको बहुत अच्छा जो है इसका रिज़ल्ट मिलेगा, ठीक है। वीक में एक बार दो बार जो है वो आपने इसको मतलब 2 से 3 बार यूज़ किया करें। रूटीन में रेगुलर कोई भी क्रीम जो है वो यूज़ मत किया करें, ठीक है। उसके बाद आपने 15 डेज़ के बाद कोई भी पॉलिशर ले लेना है, फेस को पॉलिश कर लिया करें, उससे रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा मिल जाता है, ठीक है। ये थी हमारी आज की वीडियो, आई होप कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और जब मेरे चैनल पर न्यू है जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो शेयर किया करें। इसी के साथ करते हैं अपनी वीडियो का एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।